स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन। क्या मीनिंग है? कहता है एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं, जैसे ये अर्थ है। अर्थ तो अर्थ का ये सरफेस है, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर लेयर है, एटमॉस्फेयर लेयर। तो अर्थ के ऊपर वाटर होता है, वाटर इवेपोरेट करता है, इवेपोरेट होने के बाद एयर में जाएगा। तो जब से सबसे जो पहले लेयर है पहले उसमें जाएगा, तो उसमें जाएगा तो जो लेयर अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास है उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा, और ऊपर जाओगे तो वाटर का कंटेंट कम होता जाएगा। यानी जिन लेयर में वाटर का कंटेंट ज्यादा है उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम, यानी हाई ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी। ऊपर जाएंगे तो यहां रेयर मीडियम, इसको बोलेंगे लो ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी जो लेयर अर्थ सरफेस के पास है वो डेंसर मीडियम का काम करेगी, ऊपर जाओगे रेयर मीडियम का काम। तो इसको बोलते हैं जब लाइट इनसे पास कर रही है, जैसे मान लो लाइट यहां से है तो ऊपर वाला रेयर और नीचे वाला डेंसर सीधी जाने के लिए बेंड करेगा, फिर यहां से आई सीधी जाने के लिए बेंड, तो इस तरह से ही सीधी जाने के लिए बेंड करती है। इसी चीज को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो व्हेन लाइट पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। अपने पास से वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां यूज होगा, तो सबसे पहले एप्लीकेशन हम कर लेते हैं अपीरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। यह हम कहते हैं जैसे अर्थ है उसमें डिफरेंट लेयर है, ये डिफरेंट लेयर है, ये लेयर यहां एक स्टार, तो स्टार से अगर लाइट है यहां आपके पास एक स्टार ले लीजिए, स्टार से लाइट आएगी इन लेयर्स से पास कर, तो ये आपके पास स्टार, स्टार से लाइट आए। अब आपको मैंने बताया नीचे की जो लेयर है ये डेंसर मीडियम का काम करेगी, ऊपर वाली रेयर मीडियम का काम करेगी। तो रे ऑफ लाइट जब इनसे पास करेगी सीधी जाने दे बेंड करेगी रेयर टू डेंसर, फिर ये आई सीधी जाने दे बेंड, तो ये इस तरह से बेंड करती जाएगी, सीधी जाने की जाए बेंड करती जाएगा, ये बेंड कर गई सीधी जाने की जाए, फिर बेंड कर गई, तो इस तरह से ये बेंड करती है, ये बेंड करती है। लास्ट में ये आपको लगभग अगर आप इसको आगे तक बढ़ाओगे तो यहां दिखेगी। यानी ये थी स्टार की एक्चुअल पोजीशन, ये स्टार की है अपीरेंट पोजीशन। तो बेंडिंग की वजह से जो अपीरेंट पोजीशन वो एक्चुअल से डिफरेंट है, ये आप ये लिख सकते हैं व्हेन लाइट
पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ, तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो। सो अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजिशन। ठीक है, ये आपके पास पहली डेली लाइफ एप्लीकेशन है, अपीयरेंट पोजिशन ऑफ स्टार स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन। इसी का एक और डेली लाइफ आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट सेकंड, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मतलब जब सन राइज होता है तो ये 2 मिनट पहले होता है, बिफोर 2 मिनट, और सनसेट होता है तो 2 मिनट बाद होता है, तो आफ्टर 2 मिनट। तो टोटल 2 मिनट, ये 2 मिनट ही है। एक दिन की लेंथ 4 मिनट तक इंक्रीज है, तो एक दिन की जो लेंथ है वो 4 मिनट तक इंक्रीज कर देती है। कहता है इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगर डिफरेंट लेयर से रे ऑफ लाइट पास करेगी तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो डिफ्लेक्शन की वजह से सनराइज 2 मिनट पहले तक दिखेगा और सनसेट 2 मिनट बाद। तो टोटल एक दिन की जो लेंथ है वो 4 मिनट तक इंक्रीज कर जाती है, तो हम कहते हैं इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन वो है स्टार ट्विंकल एट नाइट, स्टार ट्विंकल एट नाइट बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। क्या स्टार ट्विंकल एट नाइट, पहले इसकी बात करते, स्टार की अपनी लाइट होती है, तो स्टार हैज इट्स ओन अपनी लाइट, तो स्टार की अपनी लाइट होती है। जब स्टार से लाइट डिफरेंट लेयर से पास करती है, व्हेन लाइट पास थ्रू डिफरेंट layers of atmosphere having different refractive index, जब अलग अलग layer से pass करें then sometimes, अब कुछ denser medium है तो light का pulse ज्यादा करेंगे, कुछ rarer है तो light का pulse कम करेंगे, तो इससे then इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज कंटिन्यूअसली। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है कंटिन्यूअसली क्या करती है, चेंज करती है। तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ब्राइट लाइट आएगी, इंटेंसिटी कम होगी तो डिम लाइट आएगी, तो एक बार ब्राइट एक बार डिम, तो ब्राइट लाइट और डिम लाइट का मतलब इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग। तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मोर इंटेंसिटी का मतलब है मोर इंटेंसिटी ब्राइट लाइट, और लो इंटेंसिटी आएगी तो डार्क लाइट। तो ब्राइट और डार्क किस तरह से इफेक्ट आता है,
तो ब्राइट लाइट आएगी, कभी डार्क लाइट आएगी, तो हम कहेंगे इसको ट्विंकलिंग मून। क्या हो रही है? प्लैनेट की बात करते हैं, अब प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं है, तो एक तो अपनी लाइट नहीं होती, दूसरा प्लैनेट में इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स। तो उसमें जो है कई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लाइट बीम, जो लाइट दे सकते हैं। अब जैसे आपके रूम में दो बल्ब लगा हुआ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, हम पहले एक बल्ब को ऑन रखते हैं, दूसरे को ऑफ करते हैं, फिर हम दूसरे को ऑन करते हैं, पहले को ऑन करते हैं, तो बताओ रूम की जो लाइट है उसमें क्या चेंज है? तो रूम की इंटेंसिटी ऑफ लाइट में जो ब्राइट इफेक्ट है वो उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, यानी कि इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। अगर इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी तो हम कहेंगे ट्विंकलिंग नहीं होगी। ऐसे इसमें होगा, कहते कई लोग में सब्जेक्ट होते हैं, सम ऑफ देम कुछ उनमें से प्रोड्यूस ब्राइट इफेक्ट, तो कुछ ब्राइट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड सम प्रोड्यूस डार्क इफेक्ट, तो कुछ ब्राइट इफेक्ट देंगे कुछ डार्क, सो दे कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन सेम। तो लाइट की इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेम। अगर लाइट की इंटेंसिटी सेम हो जाती है तो ट्विंकलिंग नहीं होती, तो प्लैनेट में कभी ट्विंकलिंग नहीं होती है, जबकि स्टार में क्या होती है? ट्विंकलिंग।